Hello and welcome to the lecture of Foundation course in English 2. In this session, we are going to cover Unit 8 of Block 2. It is about argumentative composition. I am going to present here logical presentation of argumentative composition in this session to you. We have already studied about argumentative composition in the previous session also. वहाँ हमने ये पढ़ा कि exactly argumentative composition क्या होते हैं, हमें कैसे persuade करना चाहिए और power of influence क्या होती है, उसके लिए कौन कौन सी technique आपके लिए beneficial रहेंगी ताकि आप arguments को properly prove कर सकें और reader की eyes में correct कैसे वो साबित हो सकेगा with proper reasons. उसके लिए आपको self confident होने की जरूरत है. In this session, we are going to cover the logical presentation of your argumentative composition. क्योंकि अगर आप उन्हें with proper logic prove नहीं करते हैं, तो it is totally a chaotic or it doesn't make any sense. It's totally useless. कई बार हम कुछ गलतियां भी कर जाते हैं while making these kind of arguments, जो हमारे statement को ठीक prove नहीं कर पाते हैं. उन गलतियों के बारे में जानेंगे और कौन कौन से नॉन रैशनल वेज होते हैं राइटिंग के जिसमें आप आर्गुमेंटेटिव को ना देखते हुए कुछ ऐसे नॉन रैशनल वेज के थ्रू कई बार हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे इस सेशन में, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि एग्जैक्टली दोनों क्या मेथड होते हैं और कैसे आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस के थ्रू आप अपने आर्गुमेंट को प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में या फिर आप कैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन देने में बहुत डिफरेंस है रादर देन व्हेन यू आर गिविंग सम आर्गुमेंट. क्योंकि आप नॉर्मली कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बहुत एक अलग चीज हो जाती है. वेयरएज जब आप उसे आर्गुमेंट बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट थिंग है. उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान खास तौर पर रखना पड़ता है ताकि रीडर की आईज में वो बिल्कुल एज इन करेक्ट हो जाए. और वो कब करेक्ट हो पाएगी, जब आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में होंगे, एक के बाद एक आप रीजन के साथ उन्हें लॉजिकल सीक्वेंस बनाकर अपने थॉट्स को प्रेजेंट करेंगे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा. तो इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आपको वो लॉजिकल सीक्वेंस बनाना कैसे होता है उन थॉट्स का, ताकि अपनी बात को आप करेक्ट प्रूव कर सकें. इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ते हुए पहले जानते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है. डिडक्टिव रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है रीजनिंग का जहां पर हम जनरल स्टेटमेंट्स को देते हुए एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में आ जाते हैं. अगर मैं कहूं कि सभी विमेन जो है वो एक बैड ड्राइवर है, तो तुम भी एक बैड ड्राइवर हो. सो मैं एक जनरल टर्म्स में बात कर रही थी कि सभी विमेन जो है वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाती हैं, तो इसका मतलब तुम भी नहीं कर पाती हो. या हम कहें कि यहाँ इस जगह पर सब कुछ ही खराब मिलता है इस मार्केट में, तो हमें वेजिटेबल्स भी खराब ही मिलेंगी. तो यहाँ आपने देखा कि एक मार्केट की मैं जनरल टर्म्स में बात कर रही थी कि जनरली यहाँ पर सब कुछ ही खराब मिलता है, कुछ भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स वेजिटेबल्स भी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी. तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट जो मैंने रीजन की तरह यूज कर लिया कि जनरली यहाँ पर ऐसा होता है, विच आई टुक इट एज अ रीजन, ताकि मैं एक लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन पर पहुंच सकूं कि वेजिटेबल्स भी अच्छी नहीं मिल पाएगी. इस तरीके की रीजनिंग को हम डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं, जहां पर हम जनरल स्टेटमेंट को लेते हैं एज अ रीजन और उससे हम किसी पर्टिकुलर थिंग पर चले जाते हैं और उसे एक लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन निकाल लेते हैं. यहाँ पे अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सुपर बाजार में चीजें जो है वो सस्ती मिलती हैं बाकी जगह से, तो अगर हम टी खरीदेंगे वहां से तो वो भी सस्ती मिलेगी, तो इसका मतलब कि बाकी क्वालिटी से यहाँ पर टी, therefore it must be cheaper than tea of the same quality at other shops. तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन निकाल लिया फाइनली विद दिस आई टुक इट एज अ रीजन कि सुपर बाजार में चीजें जो हैं वो बाकी जगह से सस्ती मिलती हैं. ना आई बॉट दिस टी एट सुपर बाजार और मैंने ये टी जो है वो सुपर बाजार से खरीदी है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो टी है वो बाकी सारी शॉप से बेटर क्वालिटी की है और सस्ते दामों पे है. तो मैंने उस स्टेटमेंट को एक जनरलाइजेशन को एक कह सकती हूँ कि एक रीजन का की तरह यूज किया और मैं उसी से एक लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन पे आ गई कि टी भी
सस्ती और अच्छी क्वालिटी की होगी। तो जनरल से जब हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पे जाते हैं उस रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। एंड नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इससे बिल्कुल अलग रहेगी, इंडक्टिव रीजनिंग इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने डिडक्टिव रीजनिंग में देखा व्हेन वी गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि जनरल को एज अ रीजन लेते हुए हम पर्टिकुलर के कंक्लूजन पे आ जाएंगे, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि पर्टिकुलर को एज अ रीजन लेते हुए हम जनरल पे आ जाएंगे और पर्टिकुलर को एज अ रीजन लेते हुए जनरल को हम कंक्लूजन बना लेंगे। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि इस मार्केट में मैंने यहाँ से वेजिटेबल्स खरीदी और वो बहुत ही बैड क्वालिटी की निकली, तो मैं कह सकती हूँ ये मैंने रीजन की तरह यूज किया, इसका मतलब कि यहाँ पर सब चीजें ही बैड क्वालिटी की मिलती हैं, इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया। सो आई टुक दैट एज एन एज अ रीजन, जो स्पेसिफिक चीज थी कि वेजिटेबल्स मुझे अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली, तो मैंने वो एज अ रीजन यूज कर लिया और उससे मैं कंक्लूजन पे आ गई, लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन पे। फॉर द जनरल टर्म्स मैंने एक जनरल अपना एक आइडियोलॉजी एक बना ली कि यहाँ पर सब कुछ ही बैड क्वालिटी का मिलता है। सो हम कह सकते हैं दोनों ऑपोजिट चलती हैं। डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, जनरल को रीजन लेते हैं बनाते हैं और स्पेसिफिक को उसका हम कंक्लूजन दे देते हैं, और इंडक्टिव में उसका ऑपोजिट रहेगा। एक पर्टिकुलर थिंग को के एग्जांपल के थ्रू, एक उसको रीजन के थ्रू हम लेंगे फ्रॉम जनरल जो पर्टिकुलर है, और फिर हम चले जाएंगे किसी जनरल चीज पे, जो स्पेसिफिक था उसको रीजन को लेते हुए हम जनरल पे चले जाएंगे जिससे कि हम कंक्लूजन निकाल लेंगे उसका। सो इंडक्टिव रीजनिंग मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। इंडक्टिव रीजनिंग जो है उनसे हम ब्रॉड जनरलाइजेशंस निकालते हैं और फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक को लेते हुए कि वेजिटेबल्स यहाँ पे बैड क्वालिटी की हैं, उससे हमने एक ब्रॉड जनरलाइजेशन निकाल ली कि यहाँ पर सब कुछ ही बैड क्वालिटी का मिलेगा। इवन इफ ऑल द ऑफ द प्रेमिसेस आर ट्रू इन अ स्टेटमेंट, इंडक्टिव रीजनिंग अलाउज फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। और मान लीजिए कि सब कुछ ही उसमें ट्रू भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग गलत भी हो जाती है, अलाउ द कंक्लूजन टू बी फॉल्स ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि अब उससे एक चीज की वजह से हमने एक ब्रॉड नजरिया बना लिया, जबकि ऐसा नहीं होता कि एक चीज, अगर हो सकता है कि वेजिटेबल्स वहाँ खराब हो या हो सकता है दो चीजें भी खराब हो, तो हम ये नहीं कह सकते, हम जनरल टर्म्स पे नहीं आ सकते, इतनी बड़ी ब्रॉड जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। चाहे दो चीजें मैं कहती हूँ वहाँ पे खराब हो, लेकिन हम इस जनरल टर्म्स पे नहीं आ सकते हैं इतनी बड़ी ब्रॉड जनरलाइजेशन पे कि यहाँ पर सब कुछ ही खराब मिलेगा। तो कई बार ऐसा केस होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत भी प्रूव हो जाता है उसकी वजह से कंक्लूजन, ऐसा नहीं है कि हमेशा, बट समटाइम्स इट हैपेंस इन इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें एग्जांपल को अगर हम लेते हैं कि यहाँ पर हर चीज जो है सुपर बाजार में हमें सस्ती मिलती है बाकी जगह से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आइटम का सुपर बाजार आर चीपर देन एल्सवेयर, क्योंकि यहाँ पर मैंने खरीदी है कुछ चीजें, मैं कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं या मैंने वेजिटेबल्स खरीदी है, मैं कह सकती हूँ जो मुझे यहाँ सस्ती मिली। तो दो चीजें अगर सस्ती मिल गई तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट में आपको सब कुछ सस्ता मिलेगा। दिस समटाइम्स प्रूव एज एन रॉन्ग कंक्लूजन ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है, कई बार हम इसे एज अ रीजन लेते हुए एक ब्रॉड जनरलाइजेशन के साथ कंक्लूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके के रीजन जब आप यूज करते हैं जहाँ पर आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का यूज लेना पड़ता है या उसे यूज करना पड़ता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वहाँ हम इन टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें और करेक्ट प्रूव कर सकें रीडर्स की आईज में कि यस दिस वॉज एन एग्जाम्पल, या इस तरीके की चीज से मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया, या यहाँ पे सब कुछ ही महंगा है तो यहाँ पे ये चीज भी महंगी होगी, इसको हम एज अ रीजन लेते हुए कई बार कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो इन मेथड्स का भी आप यूज कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को देते हुए, पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ब्रॉड जनरलाइजेशन जब हम कर देते हैं तो कई बार वो फैलेसी भी क्रिएट कर देती है। तो फॉलेसीज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि हम कई बार कुछ चीजें गलत भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव में जो है हम कई बार उसे गलत भी ले लेते हैं, क्योंकि एक या दो चीज खरीदने पर आप पूरी मार्केट को ब्रॉड जनरलाइजेशन में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो कई बार हमारी कुछ गलतियां भी होती हैं ये फॉलेसीज के टाइम पे,
पॉलिसीज क्या है. पॉलिसी एक पुअर रीजनिंग हम कह सकते हैं कि हमने दो चीजें खरीदी तो उसके बेसिस पे हमने पूरी मार्केट का एक जनरलाइजेशन निकाल लिया, तो वो एक पॉलिसी हो जाती है. ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें हमने प्रॉपर रीजनिंग यूज नहीं करी है, बहुत पुअर रही है हमारी रीजनिंग, उसे हम पॉलिसी के नाम देते हैं. आर्ग्यूमेंट कैन बी फलेशियस वेदर और नॉट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू. हो सकता है कि शायद वो कंक्लूजन ठीक भी हो कि यहाँ पर सब कुछ अगर बैड क्वालिटी का, एक चीज अगर बैड क्वालिटी की मिलती है तो सब कुछ ही बैड क्वालिटी का मिलता होगा, या एक चीज सस्ती मिलती है तो सब कुछ यहाँ पे सस्ता मिलता होगा. तो वो कई बार हो सकता है कि वो चीज ट्रू भी हो, लेकिन हमने रीजन तो उसका प्रॉपर नहीं दिया. अगर रीजन प्रॉपर नहीं है तो हम उसे पॉलिसी का नाम देते हैं. हो सकता है कि शायद ये सच भी हो, ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ ही बैड क्वालिटी का मिलता है, या हो सकता है ये गलत भी हो. लेकिन जब हमने उसके लिए प्रॉपर रीजन का यूज नहीं करा है या पुअर रीजन का यूज करा है, तो हम उसे उस आर्ग्यूमेंट के लिए हम उसे पॉलिसी का नाम देंगे. पॉलिसी जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, पर पॉलिसी तब क्रिएट होती है जब हम बिना सोचे समझे कुछ प्रॉपर रीजन नहीं देते हैं और पुअर रीजनिंग के साथ अपनी कंक्लूजन निकाल देते हैं, चाहे वो सही है या गलत. तो कुछ केसेस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी पॉलिसी के, कि हम कब कब ऐसा करते हैं यूजली. फर्स्ट इज हेस्टी जनरलाइजेशन, जब हम जरूरत से ज्यादा जब जल्दी से ही जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि एग्जैक्टली ऐसा होता भी है. नो वुमेन शुड बी फ्री, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी की एक दो वुमेन्स को अगर हमने देख लिया, वुमेन को देख लिया और वो फ्री नहीं है, तो हमने इसके बेसिस पे एक जनरल स्टेटमेंट निकाल दी, जनरलाइज अपना व्यू दे दिया कि कोई भी वुमेन फ्री नहीं हो सकती. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आई नो अमेरिकन्स, दे आर ऑल मटीरियलिस्ट. आपने एक या दो अमेरिकन से शायद आप मिले तो वहां पर आपने ये प्रूव कर दिया, हो सकता है कि वो रहे भी हो मटीरियलिस्ट, तो आपने पूरी पूरे अमेरिकन के पूरे लोगों के ऊपर ये जनरलाइजेशन स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि वो सबके सब लोग मटीरियलिस्ट होते हैं और सारे के सारे इंडियंस जो है स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में चार पांच लोग हों वो स्पिरिचुअलिस्ट हों, तो आप पूरे के पूरे इंडियंस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि वो स्पिरिचुअलिस्ट होंगे. तो ये हमने कुछ जरूरत से ज्यादा जनरलाइजेशन क्रिएट कर दी. ऐसी जनरलाइजेशन यूजली हम तब क्रिएट करते हैं, तब बना लेते हैं, या तो हमारे पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी होती है, या हम ज्यादा अपने नोन में हमारी चीजें नहीं है और दो चार लोगों के ही नोन में आने से हमने वैसा ही जनरलाइजेशन क्रिएट कर दी. यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा लोगों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, ज्यादा चीजों को नहीं देखा है उन केसेस में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस या लेस एक्सपीरियंस. या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रेजुडिस्ड होते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, अमेरिकन ऐसे ही होंगे, वुमेन कभी फ्री नहीं होगी, कि वुमेन को लेके प्रेजुडिस है कि वुमेन एक ऐसी ही होती है कि जो कभी फ्री नहीं होती है, वो बहुत बेचारी रहती है या उसके ऊपर सारा घर का भार आ जाता है. तो हम प्रेजुडिस है वुमेन को लेकर, उसकी तरफ हमारा एक बायस सा एक अपना व्यू है, तो तब हम ऐसे जनरलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं. पर ये पॉलिसी क्रिएट कर दे क्योंकि लॉजिकली प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सफिशियंट रीजन नहीं है और अनबायस है. आपका हमेशा रीजन जो है वो बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस एविडेंस के साथ ही आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं. इस तरीके के जनरल स्टेटमेंट्स अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बना देंगे सिर्फ कुछ लोगों को देखकर, या फिर अपने बायस प्रेजुडिस को लेकर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉलिसी प्रूव होगा क्योंकि इसमें बहुत ही पुअर रीजनिंग है. दूसरा केस जब हम पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं और पुअर रीजनिंग देते हैं, जब हम बहुत जरूरत से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शंस क्रिएट कर लेते हैं अपने आप ही. प्रेडिक्शन इज हम फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं जो एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, प्रेडिक्शंस होता है. इन दीस प्रेडिक्शंस इज अ फिक्स्ड पैटर्न व्हिच इज बिलीव्ड टू बी रिप्रेजेंट टाइप ऑफ अ पर्सन और इवेंट. एक इवेंट को लेकर या एक पर्सन को लेकर हमने उसके आने वाले फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शन बना ली होगी जरूरत से ज्यादा जल्दी, जो कि अभी तक हमें प्रॉपर रीजन भी नहीं है उसका, या हमारे पास कुछ उसका प्रूफ भी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर हमने अपने आप से ही वो बहुत ज्यादा जल्दी से प्रेडिक्शंस बना लिए फ्यूचर को लेकर. इन अनदर 3 months टाइम एवरीवन इन इंडिया विल बी लिटरेट. तो अगले 3 महीने में हमारे इंडिया में सब लोग लिटरेट होंगे, ऐसा कहना कहाँ तक सही रहेगा, जबकि हमारे पास ऐसा अभी तक कोई भी रीजन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि सच में ऐसा हो जाएगा कि अगले 3 महीने तक हमारे यहाँ इंडिया में सब लोग लिटरेट रहे हैं. तो जरूरत से ज्यादा हमने जल्दी मचा दी और उसके रीजन बिना सोचे समझे कि हमारे पास ऐसा प्रूफ है या नहीं है, हमने इस तरीके की स्टेटमेंट दे दी, तो वो एक हेस्टी प्रेडिक्शन हो जाती है.
क्योंकि हमने वहां पे कोई रीजन ना लेते हुए और किसी भी तरीके का सोच समझ से ना उसको फ्यूचर को समझते हुए हमें एक जनरल एक स्टेटमेंट दे दिया, तो इट विल बी अ पॉलिसी इन दैट केस. वुमेन विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बियर चिल्ड्रन एज यू विल टेक ओवर द जॉब. तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा अभी तक कोई प्रॉपर प्रूफ ही नहीं आ पाया है कि एग्जैक्टली ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं, बट हमने अपने ही लेवल पे उसे एक प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा फ्यूचर में हो जाए. तो जरूरत से ज्यादा जल्दी इस तरीके की प्रेडिक्शंस कर लेना विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ या रीजन हमारे लिए फॉलसी प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुअर रीजनिंग है. तीसरा केस रहेगा जब हम स्टीरियोटाइप हम बायस हैं कि वुमेन हमेशा ऐसी ही रहेंगी, वुमेन कभी भी एक अच्छी ड्राइवर नहीं बन पाएगी, या हर एक अमेरिकन रिच ही होगा. हमने एक अपने माइंड में एक पहले से ही व्यू पॉइंट क्रिएट किया हुआ है कि ये इंसान या ये इवन ऐसा ही होगा. इंडियन वुमेन जो है वो हमेशा सेल्फ एफर्टिंग रहेगी, या अमेरिकन जो है वो हर अमेरिकन जो है वो रिच होता है. तो हमने एक माइंड में हमने एक फिक्स पैटर्न क्रिएट कर लिया है कि बस ऐसा ही होता है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं. तो वो होता है स्टीरियोटाइप्स. हो सकता है कि बहुत सारे अमेरिकन गरीब हों, या हो सकता है कि कई वुमेन ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स हों, बहुत ज़्यादा बढ़िया बेस्ट ड्राइवर्स हों. तो हम ये कैसे एक स्टेटमेंट अपने माइंड में फिक्स पैटर्न में लगा सकते हैं कि वुमेन हमेशा बैड ड्राइवर ही रहेंगी, या अमेरिकन जो है हमेशा रिच ही रहेगा. लेकिन कई बार हम कुछ चीज़ों को देखते हुए अपने माइंड में इस तरीके का फिक्स पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं किसी पर्सन को लेकर या इवेंट को लेकर, और तब अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, पर उसका पास उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, तो अगेन इट विल क्रिएट अ फॉलोसी. एक और मेथड जहाँ पर, या आप कह सकते हैं एक और चीज़ जहाँ पर डॉगमेटिक स्टेटमेंट क्रिएट होता है और वहाँ पर भी फॉलोसी क्रिएट होती है. एग्जैक्टली डॉगमेटिक स्टेटमेंट क्या है? These are the statements which the writer argues as if his conclusions were unalterable. यहाँ पर जो view रहेगा जो writer का, वो बहुत ज़्यादा वो इतने इस तरीके से argue करेगा जैसे कि उसका conclusion तो unalterable है. तो इन जगह पर हमें ऐसा हो जाता है कि reader से हमें थोड़ा सा question करना चाहिए या reason लेना चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है. अपने आप को एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनऑल्टरेबल प्रूव करना कि मैं तो चेंज ही नहीं होऊंगा, वो चीज़ गलत हो जाती है. और कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं रीडर्स, क्योंकि आपका जो व्यू है कहने का, समझने का, और आप जिस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते भी हैं तो आप अपने रीडर से उसका रीज़न ले सकते हैं, पर आप एक इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन दे रहे हैं अपने स्टेटमेंट के साथ कि वो बदल ही नहीं सकता और ऐसा ही होगा, तो वहां पर आपकी अप्रोच थोड़ी सी गलत हो जाती है चीजों को लेकर, और आपका रीडर उन बातों में कन्विंस नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपनी एक बहुत ही स्टबर्न अप्रोच दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अड़ियल जिसे बोल सकते हैं कि ये बदलना तो नामुमकिन है. आप अगर चाहते भी हैं ये कहना तो आप अपने रीडर से उस चीज का रीजन ले सकते हैं, पर आप प्रॉपर अपने आप ही एक प्रॉपर कंक्लूजन में आ गया और वो सोचते हैं कि वो चेंज हो ही नहीं सकता, और रीडर को भी वही एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं और उसे भी यही प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं. तो रीडर वो कई बार नहीं मान पाता है क्योंकि उसके पास उस चीज़ का प्रॉपर रीजन नहीं आया है. तो इस तरीके का अप्रोच भी फॉलोसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पुअर, बहुत ही पुअर रीज़न है और हमारे पास कोई प्रॉपर रीजनिंग ना होते हुए भी जो राइटर है उसने अपने कंक्लूजन को अनऑल्टरेबल तरीके से प्रेजेंट कर दिया. जैसे द किंग कैन डू नो रॉन्ग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट द नीग्रो. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो आपने फाइनली कंक्लूड ही कर दिया है अपनी बात को विदाउट टेकिंग रीडर्स व्यू पॉइंट और उनके रीजन लिए बिना ही आप इस तरीके की सिचुएशन पे आ गए, तो अगेन इट विल क्रिएट अ फॉलोसी. अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी, ये भी एक और तरीका रहेगा जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम रहेगी फॉलोसी की. आप एक ऐसे इंसान की बात में, बहुत हायर अथॉरिटी है मान लीजिए, उनकी बात में आकर अगर आप ये कह देते हैं कि हाँ, क्योंकि आप एग्जांपल देखिए, देख सकते हैं सुबू लक्ष्मी, अकॉर्डिंग टू सुबू लक्ष्मी सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. सुबू लक्ष्मी जो है बहुत बड़ी मैं कह सकती हूँ अथॉरिटी हैं और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. उन्होंने ये बात कह दी कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर क्रिएट करेगा, सिगरेट स्मोकिंग. तो आप उन्हीं को एज अ रीजन लेते हुए कि हाँ उन्होंने ये चीज कही थी तो ऐसा ही होता है, आप यहाँ पर फॉलोसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं उनकी अथॉरिटी पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं. या लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया या रिसर्च नहीं की जो वो इस कंक्लूजन पे आ गई, तो वहाँ पर आप उस अथॉरिटी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. तो आपने उसी को ही अपना ओपिनियन बना के, रीज़न बना के
अपनी बात को प्रेजेंट कर दिया तो वहां भी वो पॉलिसी क्रिएट करेगा. व्हेन अ राइटर आर्ग्यूज अ केस ऑन द बेसिस ऑफ अनदर पर्सन ओपिनियन, यहाँ पर अगर मैं यही एक अपना रीजन लेकर कि हाँ सिगरेट स्मोकिंग सच में कैंसर क्रिएट करता है, ऐसा तो सुबू लक्ष्मी ने भी कहा था, तो मैं इस बात को रीजन को ले रही हूँ कि हाँ सुबू लक्ष्मी ने कहा था तो ऐसा ही होता है. पर नहीं, उनको तो वो कहती ऐसी अथॉरिटी है, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. लेकिन उनको क्वेश्चन ना करने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उसे अपना रीजन लेकर अपनी बात को प्रेजेंट कर दूं. तो कई बार राइटर ऐसा करते हैं और आर्ग्यू भी करते हैं इस बात पर कि उन्होंने ऐसा कहा था, दूसरे पर्सन ने ऐसा ओपिनियन दिया था, तो ऐसा ही है. व्हेयरएज ही शुड थिंक ऑफ अ पर्सन हूज अथॉरिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन. तो इस तरीके की चीजें भी कई बार पॉलिसी क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत ही पुअर रीजनिंग है. जबकि उन्होंने कभी, सुबू लक्ष्मी ने कभी भी ऐसा उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी होगी चेक करने के लिए, और फिर भी इस तरीके का उनका ओपिनियन लिया जा रहा है. तो इट्स अ वेरी पुअर रीजनिंग अगेन एंड क्रिएट्स अ पॉलिसी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉन सिक्यूटर. नॉन सिक्यूटर में मतलब दो उस चीज का उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है. आपने जनरली एक अपना स्टेटमेंट बना लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं इफ यू हैव अ लॉन्ग नोज यू विल गेट अ गुड जॉब. तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जितने भी लॉन्ग नोज के लोग हैं वो बहुत हायर पोजीशन में हैं, या फिर जितने भी जो हायर पोजीशन के ऊपर लोग आज बैठे हुए हैं या बहुत अच्छी जॉब लेकर बैठे हुए हैं, उन सबकी ही लॉन्ग नोज है. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो दीज स्टेटमेंट विच डज नॉट फॉलो द फैक्ट और आर्ग्यूमेंट्स विच आर गिवन, दीज आर कॉल्ड नॉन सिक्योर. क्योंकि कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पाया. आप देख रहे हैं एक लॉन्ग नोज वाले पर्सन के लिए हम कह रहे हैं कि उसके पास एक गुड जॉब होगी, तो कुछ सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है हमारे रीजन के साथ हमारी कंक्लूजन का. तो यहाँ पर भी ये पॉलिसी प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जिन भी लोगों के पास एक अच्छी जॉब है उनके सबके पास एक लॉन्ग नोज है, या जितने भी लॉन्ग नोज वाले लोग आज मौजूद हैं इस वर्ल्ड में उन सबके पास बहुत बढ़िया जॉब है. तो दोनों ही केसेस में हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपने रीजन और कंक्लूजन के बीच में. तो यहाँ पर भी नॉन सिक्वेटर की वजह से एक पॉलिसी प्रूव हो जाएगी. तो ये कुछ गलतियां हम यूजली करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट देने के टाइम पे, और अपने आर्ग्यूमेंट के लिए इन रीजन का जब हम यूज करते हैं और पुअर रीजनिंग का यूज करते हैं इस तरीके की, तो वो रॉन्ग रीजनिंग हो जाती है और एक पुअर रीजनिंग की वजह से वो पॉलिसी क्रिएट कर देती है. और आपका रीडर जो है वो कन्विंस होने में बिल्कुल आप नहीं कर पाते हैं उसे कन्विंस, और आपकी जो पावर होती है इन्फ्लुएंस की वो बिल्कुल वीक पड़ जाती है, क्योंकि रीजन ही प्रॉपर नहीं है. और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट्स तो लॉजिक के साथ अगर आप रीजन प्रूव कर रहे हैं, लॉजिक लगा के अपने स्टेप बाय स्टेप अपने थॉट्स को लॉजिकल सीक्वेंस के साथ अगर आपने रीजन को प्रूव किया है, तभी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में कामयाब हो पाएंगे. अदरवाइज इस तरीके के अगर पुअर रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अपने रीजन को प्रॉपर लॉजिकली प्रेजेंट कर सके, और वहीं आपका रीजन जो है वो हमेशा यूजलेस बन जाएगा और विल नॉट क्रिएट एनी सेंस. इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए जो नॉन रैशनल वेज ऑफ राइटिंग जिन्हें हम कहते हैं, और इनमें क्या होता है एग्जैक्टली अब हम ये जानेंगे. इसमें इनके थ्रू भी राइटर जो है कई बार अपील करने की कोशिश करता है या पावर रखता है इन्फ्लुएंस करने की. जब उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता तो इस तरीके के वेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार लोग, या राइटर जो है वो इस तरीके के वेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने रीडर को इन्फ्लुएंस करने के लिए. ये क्या है एग्जैक्टली अब जानते हैं नॉन रैशनल वेज के बारे में. Non-rational ways of writing is that appeals to emotion rather than a reason. आप जानते हैं कि non-rational, rational means जो exactly which makes sense, that is rational. तो non-rational is जहाँ पर reason की जरूरत नहीं है, reason की वजह से आप अपनी बात को prove नहीं कर रहे हैं, आप emotions की help से अपनी बात को prove कर रहे हैं. वो emotions कोई भी हो सकते हैं, गुस्से में कहकर, या हो सकते हैं कि आप गलत हैं लेकिन आप इतने गुस्से से बोल रहे हैं कि सामने वाले को अपनी बात कह ही रहे हैं कि उसे करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात से कन्विंस हो गया है, बट आपने गुस्से में कह दिया तो ही हैज टू अपील टू दैट इमोशन, और वो गुस्से की वजह से उसने वो कर दिया. या आप हो सकता है कि आप गलत भी हैं लेकिन आपके लव की वजह से वो चीज हो गई. हो सकता है कि आपने कुछ गलत भी किया लेकिन आपने अपने मॉम डैड को बहुत प्यार से ये चीज बोली कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, ये कोई भी आपने रीजन दिया, तो आपके लव की वजह से हो सकता है कि वो अपने उस रीजन को ना भी ले. और रीजन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी उस प्यार को एज अ आप उनके इमोशंस को अपील करते हुए अपने उनके बिलीफ और बिहेवियर को चेंज करा सकते हैं.
तो हो सकता है कि वो कहें कि नहीं आपसे, आप उन्हें कहें कि मुझे बाइक दिलवा दीजिए या कार दिलवा दीजिए, अब आपके पास कोई रीजन नहीं है इस चीज का, वो कहेंगे कि क्यों आज तो तुम्हारी इतनी एज भी नहीं है कि तुम्हें कार दिलवाई जाए या बाइक दिलवाई जाए, लेकिन आप अपने लव से अपील, उनके इमोशंस को अपील करते हुए अपनी बात को कह सकते हैं और वहां आप उनके उस बिलीफ और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो कई बार जो राइटर है या जो स्पीकर है वो इमोशंस को अपील करते हुए चेंज करा देता है रीडर का बिहेवियर और बिलीफ रादर देन गिविंग रीजन। और इनमें इमोशंस में आप एंगर, एम्बिशन, फियर, सेल्फ लव, बोर्डम इनका यूज करते हुए राइटर टेंड्स टू चेंज द बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ द रीडर्स। तो ये कुछ नॉन रैशनल वेज रहेंगे यू कैन से जहाँ पर आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वी वीप फॉर द ट्रू विक्टिम द ब्लैक अमेरिकन, हिज वूंड्स आर डीप बट अलोंग विद द स्कार्स ब्लैक पीपल हैव अ सीक्रेट, इन द अडैप्टेशंस दे हैव डेवलप्ड अ विग्रस स्टाइल ऑफ लाइफ, इट हैज टच्ड रिलीजन, म्यूजिक एंड ब्रॉड कैनवास ऑफ क्रिएटिविटी, द साइकी ऑफ ब्लैक मैन हैज बीन डिस्टर्ब्ड, for white americans to understand the life of the black man it must recognize that so much time has passed and so little has changed। to yahan par aap keh sakte hain ki pity ka use karte hue black americans ke liye jo samne wale reader hain unka view change karne ki koshish ho rahi hai, unka belief, unka behavior change karne ki koshish ho rahi hai towards black people, aur ye dikhate hue ki white people unke upar kitna zyada आप कह सकते हैं बाबरिक एटीट्यूड रखते हैं और बहुत क्रूअल रहते हैं, और वो ब्लैक मैन की जो एक पोजीशन है वो बहुत ज्यादा वीक रही है, और यहाँ पर आप उनके ऊपर एक पिटी का इमोशन शो करते हुए अपने रीडर्स को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उनके बिलीफ और बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम इमोशंस के थ्रू हम एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी बातों को और अपील करने की कोशिश करते हैं अपने रीडर को या फिर जो हमारे सामने के लोग हैं जिन्हें भी हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उन्हें हम नॉन रैशनल वेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं, नॉन रैशनल वेज का नाम दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन में आपको अपने रीजंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो भी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स होने चाहिए। इस बात का मैं आपको बहुत शुरू से यही बात बताती आ रही हूँ कि लॉजिकल सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सब आपके यूजलेस हो जाएंगे और बहुत हेस्टी जनरलाइजेशन या प्रेडिक्शन ना करें। डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स और इस तरीके की नॉन सिक्वेटर जब आप यूज करते हैं तो वो एक पॉलिसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इतने पुअर रीजनिंग के बेसिस पे जब आप दे रहे हैं चीज़ों को तो वो कभी भी प्रूव नहीं हो पाएंगी। तो आर्ग्यूमेंट्स अगर आप प्रूव करना चाहते हैं और पावर रखना चाहते हैं इन्फ्लुएंस करने की, उसके लिए आपके पास रीजन तो होना ही चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। वो भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसे कैसे प्रूव करना है और कैसे लॉजिकली प्रेजेंट करना है ताकि रीडर के दिमाग तक वो कैसे पहुंचाना है, और वो भी क्लियर वे में, ताकि वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले और मान ले कि दैट इट इज ट्रू। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।